अमिताभ बच्चन वैसे तो कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस साल गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें खास सम्मान से नवाजा जाएगा। आखिर क्या है वो खास सम्मान, आइए जानते हैं। अमिताभ बच्चन आज 75 साल की उम्र में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। उनके आगे हर सितारा फीका नजर आता है, उनका स्टाइल और टशन देखते ही बनता है। वहीं फिल्मों के मामले में भी वो बाकी स्टार से आगे हैं। उनके पास बैक टू बैक फिल्मों के ऑफर हैं। वैसे तो उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, लेकिन इस साल उन्हें 48वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी है। लगभग 5 दशक के फिल्मी करियर में 75 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने 190 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्होंने 15 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। IFFI का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा, जिसमें उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। IFFI की स्थापना 1952 में हुई थी। इसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक माना जाता है। गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। मंगलवार को फिल्म मेकर सुजॉय घोष ने IFFI के इंडियन पैनोरमा डिवीजन से इस्तीफा दे दिया है। 13 सदस्यीय जूरी की सिफारिशों को नामंजूर करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म महोत्सव से मलयालम फिल्म सेक्सी दुर्गा और मराठी फिल्म न्यूट को हटा दिया है, जिससे नाराज होकर सुजॉय घोष ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब मेगा स्टार को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।